जो ये समझती थी कि ये तेरा भाई मेरे लायक नहीं है। मेरी आंखों पे ना ईगो की पट्टी बंधी हुई थी जो मैं इसका प्यार नहीं देख पाई, पर अब सब समझ में आ गया है। इसका प्यार भी और मेरी जिंदगी में इसकी अहमियत भी। रसाल, अब मुझे हमारे रिश्ते को बचाने के लिए एक मौका चाहिए। मैं बचाना चाहती हूँ ये रिश्ता। कुछ महसूस करने लगी हूँ मैं। इसके लिए जो परवाह से कहीं ज्यादा है। दिमाग चलाना ना कोई थारे से सीखे, मतलब एक अपहरण से दो निशाने। कनक जी को नुकसान पहुंचाने के पीछे चकोरी मासा के इरादे हो सकते हैं। आखिर वो के है जो मन्ने नजर ना आ रहा। भाई साहब, पता है आपको हल्दी वाला दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, पर पीना पड़ेगा वरना मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। लड्डो तू ना, अपना यो गुस्सा दिखा के मारे को डरा धमका के ना अपने सारे काम करवा लेती है। ठीक से है, जैसा थारा हुकुम। एक सांस में पूरा पी जाइए। वही कर रहा हूँ। ये हुई ना बात। अबे खुश, अब मैं जानता हूँ तू क्या चाहती है। आराम करने जा रहा हूं अंदर। ठीक से। यहाँ नहीं, अपने कमरे में जाके आराम करिए। भाई साहब, मुझे याद है आपने मुझे आपके और कनक भाभी साहब के रिश्ते के बीच में आने से मना किया है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपने रिश्ते संभालना अच्छे से जानते हैं, लेकिन भाई साहब आपने तो मुझे सिखाया है ना कि पति पत्नी का झगड़ा बंद कमरे के अंदर ही सुलझ जाना चाहिए। और ऐसे अच्छा लगता है क्या कि पति पत्नी का झगड़ा यूं बाहर दुनिया के सामने आए? अच्छा, आप एक बात बताइए, जिस तरह से मैं आपकी बात मानती हूँ, आप मेरी बात मानेंगे ना? लड्डो मारे एक सवाल का जवाब दे। यो जो तू चाह रही है कि तारे मन की बात है या कनक जीने तारे से कहने के लिए कहा है? अब मुझे हमारे रिश्ते को बचाने के लिए एक मौका चाहिए। मैं बचाना चाहती हूँ ये रिश्ता। नहीं भाई साहब, आप बस ये समझ लीजिए कि ऐसा करने से आप दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। मैं जानती हूँ आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए जहर के 100 घूंट पिए हैं, पर भाई साहब बस एक बार आप अपने रिश्ते को एक मौका देके देखिए ना। मेरा दिल रख लीजिए ना भाई साहब। ऐसे जबरदस्ती ही तुझे तेरे पति का हक मिल सकता है, क्योंकि मैं खुद तो कुछ रूप देने से रही लायक नहीं है। अच्छा, बहुत प्यारी है रे तू, समझदारी की बातें करने लगी है। आता हूं। जी आप आ जा सकते हैं। जी मैं आपका इंतजार करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है ये उस टाइम पे आ रहे हैं जब भाई साहब घर पे नहीं होंगे। किसके आने का इंतजार है तुम्हें? जान सकता हूं मैं? मेरे साथ थोड़ा इंतजार आप भी कर लीजिए। मेरा इंतजार खत्म होते ही आपके सवालों का सारा जवाब मिल जाएगा। तुम्हें नहीं लगता मैं सब बेकार की
स्टूपिड टाइप चीजों में इन्वॉल्व होने के बजाय अपने होने वाले बच्चे पे फोकस करना चाहिए। के बात है छुरी? और साल क्यों बुलाया सबको यहाँ पे ऐसे? अब क्या नई नौटंकी शुरू होने वाली है? हम सब अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो जिस मकसद से बुलाई हो ना, लंका होना चाहिए। सही कहा आपने चकोरी मासा, नौटंकी ही हो रही है जिसपे से आज पर्दा उठने वाला है। वो नौटंकी जो अब सालों से खेल रही है। क्या आप सब जानते हैं, इन्होंने समर सा के दिल में मेरे लिए और भाई सा के खिलाफ नफरत के बीज बो रखे हैं। झूठ बोलती हैं ये समर्था से कि इनके माता पिता को मेरे बापूसा ने मारा। आज मैं इनकी सच्चाई सबके सामने लेके आऊंगी। बस कुछ ही देर की बात है, सबूत आ ही रहा है।